हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी शेर अली भाई, क्या कहेंगे? शेर अली भाई नहीं, मैं अनीस शेर अली पूरा है मेरा नाम। ओके, मेरा अनीश नाम भाई अनीस है, मेरे फादर का नाम शेर। जी, अनीश भाई जी जी सॉरी, मैं आपको क्योंकि जी जहन नाम बहुत सारे मिक्स हो गए। जी अनीश भाई, क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मतलब आप इस्माइली कम्युनिटी में थे तो आप मुसलमान नहीं थे। दानिश भाई बात करेंगे आज, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं आज जरा डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो रही हूँ कॉल्स की वजह अरे से। मैं आपको दो दिन से मैं आपकी ये बातें सुन रहा हूँ और काफी ये चीजें नोट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज बड़ी काटने लगी है कि आप पहले इस मुसलमान नहीं थे, अब मुसलमान बने। आपने इस्लाम अभी कबूल किया, पहले कबूल नहीं किया था? जी दानिश भाई, आप बात करेंगे कि मैं एक घंटे जी आप इसमें ऐसा है भाई, पहले तो आप समझ लीजिए इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद में आपको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है, इस्लाम उसे कहते हैं कि जो इस्लाम की, समझो मिसाल के तौर पर, इस्लाम की पांच बुनियाद है जिसमें ईमान है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। ठीक है, अब ये जो पांचों अरकान का जो जो इकरार करे और उस पर अमल करे वो मुसलमान है। अगर इसमें से किसी का भी इनकार करे वो मुसलमान नहीं है। नहीं है। जी आप बोले इन चीजों से कोई, इस चीजों पे कोई अमल करे तो वो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है नहीं, इन चीजों कलमा से? पढ़े, और सुनिए सुनिए, ये पांच अहम अच्छा, बुनियादी अरकान है इस्लाम के, अरकान। जिसमें ईमान है, ईमान का मतलब कलमा है, जो कलमा जो मुसलमानों का कलमा है, जो कलमा जो कलमे में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ना वो कलमा नहीं, समझे आप मेरी बात? तो कलमा जो मुसलमानों का कलमा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया सिखाया, वो कलमे की बात हम कर रहे हैं। जिसको ऐड कर दिया गया, बाद में जाके ऐड किया लोगों ने, उसकी बात नहीं हो रही है। एक बात। दूसरी बात जो है, नमाज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताई, सहाबा ने पढ़ के बताई, अहले बैत ने जो पढ़ के बताई, उसका उसको उस पर अमल भी करे, और अमल करने के साथ उसका इकरार भी करे। अगर उसका इनकार करे, अमल ना करे और लेकिन इनकार कर दे, चलो अमल ना करे तो मुसलमान रहेगा फिर भी, लेकिन इनकार कर दे कि भाई ये तो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं इसकी, तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। इसी तरह रमजान के रोजे है, रमजान का रोजा ना रखे वो तो गुनहगार है, लेकिन रमजान के रोजे का इनकार कर दे कि भाई रोजा जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत है ही नहीं, रमजान कहाँ, रोजा कहाँ से आया, उसका सर, इनकार करने वाला जो है वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हज है, हज का मामला ऐसा है कि अगर जो हज पर ना जाए वो गुनहगार है, लेकिन हज का इनकार कर दे वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। वैसी तरह जक़ात है, जक़ात ना दे वो गुनहगार है, अगर जक़ात का इनकार कर दे वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। दूसरी बात, इसमें अगर कोई, अगर आदमी जो है अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखे, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क ना करे, वो मुसलमान है। अगर शिर्क करता है तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। इसके अलावा जो है, फरिश्तों पर ईमान रखे, और जो है जन्नत जहन्नम पर ईमान रखे, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखे, कयामत के दिन का हिसाब किताब होने वाला उस पर ईमान रखे, और कुरान की एक एक आयत पर इनकार ईमान रखे, उसका एक आयत का भी इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे अंदर मौजूद नहीं थी, जो हम जब इस्माइली थे तो हमने रोजे का इनकार किया था, हमने नमाज का इनकार किया था, हम हज को हज नहीं समझते थे, हज का जाने को कुछ कोई चीज ही नहीं समझते थे, और इसके अलावा जो है मरने के बाद का तस्वुर हमारे जहन में कुछ खास था नहीं, और दोबारा उठाए जाना, जन्नत जहन्नम, हम तो ये समझते थे कि भाई हम जो मरेंगे तो हमारी रूह जो है इमाम में जो है मिल जाएगी। हमारे जमात खाने में यही बातें बताई जाती थी और दुआ दुआ कराई जाती थी बाकायदा कि भाई ये जो रूहानी जो रूह इंतकाल कर गई है उसको अपने अपने नूर में जो है मिला दे, इस तरह से बातें होती थी जमात खाने के अंदर। तो हम मुसलमान नहीं थे। अब जो है हमने कुरान पर ईमान लाए हैं हमने, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं और जो बातें कही हैं उस पर हमारा ईमान है, और हम जो पांच पांच बुनियादी जो इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है उसको हम मान रहे, तो हम मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने आपको पूरी वजाहत कर दी। जी जी, मेरी मेरी बातचीत हो रही है आप लोगों से? जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से मेरे दिमाग में भी बैठी है, मगर मैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आप पहले मुसलमान नहीं थे, अब मुसलमान हुए। ये आपकी गलतफहमी,
सेकंड बात नहीं, ये आप इन्होंने आपका एक्सेप्ट नहीं करने से, आपका एक्सेप्ट नहीं करने से बताया कुरान नहीं बदलेगा और ना दीन बदलेगा। सर, जो कुरान, और मैंने तो आपको जो दलील दी वो अपने 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 सोच की दलील नहीं दी आपको। अब मेरी भी जी दोबारी है ना। दानिश भाई इनकी बात बोलिए, कंप्लीट होने दें, हाँ बिल्कुल, सॉरी इंशाल्लाह सॉरी, फिर। बोलिए 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 मेरे भाई, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। जी, आपने जो गलत गाइडेंस दिए ना मुझे, किसी को दिए है ना, अभी आपने बोला है मैं माशाल्लाह से इस्माइली हूँ, मैं इस्माइली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का मेरे बहुत कर्म है, उन्होंने बहुत नवाजा है मुझे, ठीक है, मैं उस मालिक का बहुत कर्म हूँ, बहुत नवाजिश है, मेरे घर के अंदर जो मसले मसाइल होते थे ना वो मेरे मालिक ने बहुत निपटाए, ठीक है, बहुत सॉल्व किए, ठीक है, मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ। मगर आपने जो आज बात की कि हमें ये सिखाया नहीं जाता था, हमें ये बताया नहीं जाता, मैंने खुद ने ना स्कूल के अंदर REC के अंदर कुरान पढ़ा है, REC के अंदर हर चीज की नॉलेज हासिल की है, हर चीज की। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो? एक मिनट सर, मैंने एक मिनट, नहीं मुझे एक ही सवाल है मेरा आपका, कब कहाँ रहते हो सर? ये छोड़ दें, ये नहीं, आप किस कंट्री से, किस कंट्री में हो? नहीं ये सवाल इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि हम इंडिया में बिलोंग करते हैं, सुनिए मेरी बात, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया का कल्चर जो है ना नाइट स्कूल का बिल्कुल अलग है, और जो इस्लामिक कंट्री में रहते हैं इस्माइली, उनके लिए अलग तरीके से वो लोग करते हैं। जी सर, फिर आप लोग फिर इस्माइली कंट्री में अगर आप ऐसी जैसी आप बात करो ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप ये भी थोड़ा नोटिस करें कि यहाँ पर कल्चर अलग है, वहां पर कल्चर है, वो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर हमें हर चीज हिस्ट्री से लेकर ए से लेकर जेड तक हमें सिखाई जाती है, ये आप लोगों में वहां पर अगर मिसगाइड कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वहां पर, तो वो आप उनको समझाएं, आप उनको बोलें कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है कि आप रोजे नहीं रखो, आप रोजे रखो, ठीक है, और हमारे कुरान में, मुसलमान के कुरान में कहीं भी नमाज का जिक्र नहीं है, सलाह का है, नमाज का जिक्र नहीं है, ये शायद नमाज, नमाज मेरे भाई, नमाज जो है वो उसकी वो अरबी वर्ड नहीं है, अरबी वर्ड उसका सला होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप समझ रखते हो ना शायद कि अरबी वर्ड जो है वो सला है, ठीक है, अकीमुस सला कुरान में अल्फाज है, अकीमुस सला, नमाज को कायम करो, यानी नमाज, हम उसका तर्जुमा जब करेंगे तो हम उसको नमाज कहेंगे, और अगर अरबी में पढ़ेंगे तो अकीमुस सला कहेंगे, ठीक है सर। एक बात आपकी, एक मैं काटूंगा, सॉरी, मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पर पाकिस्तान में या पूरे ऑल ओवर में, आप दुनिया में कहीं भी देख लो, यहाँ पर है ना आपको कुरान की एक तर्जुमा नहीं मिलेगा सर, शिया का अलग नहीं, है, नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, वो तर्जुमा अभी आप दूसरी टॉपिक पे जा रहे हैं मेरे भाई, यू आर चेंजिंग द टॉपिक नाउ, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो था, हेलो, हमारा टॉपिक जो था वो था इस्लाम और इस्माइली, हम इस्लाम इस्लाम कबूल किया है और इस्माइली हम पहले थे, इस पर हमारा टॉपिक था, अब आप आ गए नमाज को सलाह जो है वो नमाज नहीं है, नमाज जो सलाह है, अब उसकी मैं आपको 50 हदीसें दे दूंगा। दानिश भाई एक सवाल मेरा है, मेरा एक सवाल इन भाई से है, अगर आप कहते हैं कि नमाज नमाज जो है वो ये वाली नहीं है जिस तरह की हम पढ़ते हैं, यानी दुआ जो आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि असल वर्ड असल चीज यही है, ये आप कह रहे हैं? क्या चीज़? नमाज जो है वो कुरान में नहीं है आपके मुताबिक? जी जी, पहले तो ये सलाह नमाज में कंफ्यूज है बेचारे, एक सेकंड, जी तो जी, नमाज नहीं है, सलाह लफ्ज है, सलाह लफ्ज है, मकसद क्या है आप ये देखो, नहीं नहीं सलाह तर्जुमा क्या है? अच्छा आप बताएं तर्जुमा, नहीं आप बता देना, आप तो दीन के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है, मैं तो बिल्कुल नील बटा ले हूं। नहीं आपने तो इतना बड़ा दावा कर दिया कि जिस तरह की हम नमाज पढ़ते हैं वो तो है ही नहीं ना इस्लाम में, वो तो आप कहते हो कुरान में है ही नहीं, आप मुझे बताइए कि आप जो दुआ मैंने पढ़ते ये हैं, दावा नहीं किया आपको, एक सेकंड, दावा नहीं किया आपको, मैंने कहा है कि नमाज का जिक्र कहीं नहीं है कुरान में कि नमाज पढ़ो, सलाह का जिक्र है, आपको पता है ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलो ठीक है, वो जो जमीन के अंदर एक सब्जी उगती है जिसको उर्दू में आलू कहते हैं, इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, काफी कंट्रीज में आयरिश कहते हैं, क्लियर, तो क्या उससे उससे उस सब्जी पर कोई फर्क पड़ता है नाम अलग रखने से? नहीं पड़ता। अब आप जो है, हम जिस लफ्ज को सलाह कहते हैं तर्किश में, पर्शिया में, फारसी में उसे नमाज कहते हैं, मलेशिया में उसे लम्माज कहते हैं, लम
लाम से लम्माज पढ़ते वो वही हमारे वाले तरीके से है, ठीक है। अंग्रेज के पास जाएंगे तो वो हमारी नमाज को ना सलाह बोलता है ना वो उसको दुआ बोलता है, वो कहता है यू आर प्रेइंग मुस्लिम प्रेयर। मेरे भाई बात सुन लो, अब अगर सलाह जो है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं आपको उसमें कोई एतराज है तो बोलिए। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमारा इमाम ये फरमाता है कि अगर आप में ताकत है, टाइम है, ईमान है और वाकई में आप कर सकते हो ये चीजें, तो आप 5 टाइम की नमाज भी पढ़ो, 3 टाइम की दुआ भी पढ़ो, आपको अच्छा। कहीं मना नहीं किया, ठीक है। पहले कौन सी चीज करनी है, एक सेकंड, पहले कौन सी चीज करनी है, दुआ पढ़नी है कि नमाज पढ़नी है? दोनों को। इमाम ने कहा है दोनों, दीन और दुनिया में बैलेंस रखे आप, अच्छा दीन और दुनिया में बैलेंस रखें। अब दोनों करनी है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, दोनों करनी है। आपकी जो तीसरी दुआ होती है जमात खाने में, तीसरी दुआ वो उस टाइम हो रही होती है जिस वक्त हम लोगों की मगरिब की सलाह हो रही होती है। अब आप सलाह मगरिब की नमाज पढ़ोगे या आप अपनी इस्माइली तीसरी दुआ पढ़ोगे? काफी लोग नमाज कजा करके भी तो पढ़ते हैं, वो तो गुनाह है, जानबूझ के कजा करना तो गुनाह है, नमाज जानबूझ के गुनाह हो जाता है कजा करना। कजा का मतलब क्या होता है? वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक फरमाता है सिर्फ मैं जिक्र करो, मेरे करीब आओ और मेरा जिक्र करो, मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मुझे भीख मांगो, मुझसे मैं देने वाला। मेरा एक भाई से एक सवाल है, मेरा एक भाई से एक सवाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत ने, उस जमाने के सहाबा ने, जो अकीमुस्सला यानी नमाज कायम करो का मतलब समझा था और जो उन्होंने पढ़ी थी, वो पढ़ना और वो समझना सही है कि जो आप समझ रहे हैं वो सही है? ये मेरा सवाल है सर, पीछे रिटर्न कीजिएगा, सॉरी मेरा थोड़ा मिसप्लेस हुआ है, थोड़ा सवाल कीजिएगा वापस, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। दानिश भाई जी, वो ये वो आपसे पूछ रहे थे कि जिस तरीके की नमाज या सलाह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, खुद पढ़ी, मौला अली ने समझाई, फिर पढ़ी, अहले बैत ने भी वैसे पढ़ी, तो उनका तरीका सही है या जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वो सही है? आप मुझे दोनों तरीके सही लगते हैं। चले दानिश भाई, जवाब आ गया। में बुराई क्या है दानिश भाई, हमारे तरीके में बुराई क्या है? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ये कह रहे हमारे तरीके में बुराई किया है। अनिश भाई आप आ क्यों नहीं जाते? अभी आ गया, अभी आई आवाज। नहीं, इसमें बुराई और अच्छाई का सवाल नहीं है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी है, जो सलाह पढ़ी है और जो सिखाई थी और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत हजरत फातिमा हजरत इमाम हसन हुसैन और उस जमाने के जो अकाबिर जो हमारे बड़े जो थे उस जमाने के अहले बैत में से और सहाबा में से, उन्होंने जो नमाज पढ़ी थी और उन्होंने जो नमाज समझी थी कुरान और सुन्नत से, वो सही है कि आप जो इस वक्त पढ़ रहे हैं दुआ नमाज छोड़कर, और कभी कभी आप कहते हैं कि मौका मिले तो वो भी पढ़ना चाहिए, लेकिन दुआ को अहमियत आप दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह का जिक्र है वो एक ही बात है, तो इसमें आप समझाइए कि एक ही बात होती तो वो नमाज पढ़ते ना, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी वो सही है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है? ये मेरा सवाल है, ये पूछने का मतलब, क्या इसको क्या समझ, क्या बताएंगे आप सर इसके बारे में? सर मैं सर दानिश भाई आपको मैं यही जिक्र करूंगा, यही बताऊंगा कि हमारी नजर में, मेरी नजर में खास तौर पर, मेरी नजर में दोनों चीजें सही है, मेरी नजर में दोनों चीजें गलत नहीं। लेकिन मेरे भाई आपसे एक सवाल मेरा ये है कि मेरे भाई थोड़ा सा आप जो है ना माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी नजर आ रहे हैं मुझे, और आपकी बात करने का स्टाइल आल्सो आई लाइक योर स्टाइल। सुनिए मेरे भाई मेरे बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि मेरी नजर में और मेरी नजदीक मेरे सोच में, तो आप मुझे बताएं अल्लाह पाक ने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई सुभानक ला इल्म लना, यानी तुम कुछ नहीं जानते हो,
तो हमारी सोच, हमारी इस नजर को हम प्रेफरेंस देंगे कि नबी की सोच को और नबी की समझ को हम प्रेफरेंस देंगे? ये मेरा सवाल है कि आप किसको प्रेफरेंस देंगे? आपकी सोच को देंगे कि नबी की सोच को देंगे? अहले बैत की हजरत अली की सोच को देंगे? किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी और लब करके हम नबी की तरफ जाएंगे। बस ये मैं चुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो आप प्रायोरिटी नबी की सोच को देंगे, प्रायोरिटी हजरत अली की सोच को देंगे, अली की समझ को देंगे ना सर? जी जी बेशक। अभी आपकी बात को आंसर देने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि काफी टाइम बाद इस नॉलेज को मैं काफी टाइम से रीड कर रहा हूँ और मुझे ये नॉलेज किताबों से बहुत कम मिली है, मेरे एडवाइजरों से मिली। ठीक है, और मैं बयान सुनता हूँ, मैं जाकिर नाथ का बयान सुनता हूँ, दूसरों के बयान सुनता हूँ, मैं एक तरीके से नहीं चलता हूँ सर, मैं हर जगह घूमता हूँ। नहीं, हम एक बात कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, मेरे को आपसे बात करने इतना अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को भी सुकून हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बज गए हमारे यहाँ इंडिया में, लेकिन आपसे बात करने का दिल चाह रहा है मेरे भाई। ऐसी बात दरअसल ये है कि माशाल्लाह आप जाकिर नायक को सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और भी जो है अकाबिर है जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं उनको आप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त जो है, चाहे कोई भी हो कहीं का भी हो, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ता है, जोहर की 4 रकात पढ़ता है, हर रकात में एक कयाम होता है, रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं, और इस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे कोई भी हो, शिया हो, सुन्नी हो या और कोई भी हो, तो वो सब माशाल्लाह एक तरीके की नमाज पढ़ते हैं। और मक्का में भी हम जाते हैं, माशाल्लाह 50-50 लाख आदमी होते हैं हज के मौके पर, और उसमें सारे लोग होते हैं और सारे जो है जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और सब लोग जो है वो फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं, जोहर की 4 पढ़ते हैं, असर की 4 पढ़ते हैं, मगरिब की 3, ईशा की 4, तो इस तरह से सारे ही लोग नमाज पढ़ते हैं, सारे ही लोग जो है वो अरफात में जो अमाल होते हैं हज के मौके पर वो सारे अमाल करते हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो रोजा रखते हैं रमजान का, तो वो सब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच को प्रेफरेंस देकर चल रहे हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की सोच को प्रेफरेंस देकर चल रहे हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है, हमारे तमाम मुसलमान हम इस्माइली भाइयों से यही गुजारिश है कि भाई आप इसको प्रेफरेंस दो, का किस चक्कर में पड़ गए हो जो कुरान के खिलाफ हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए मेरे भाई। नहीं सर, मैं तो नहीं छोड़ सकता था। मैं बेशक मैं हर चीजों को, दीन की बातें भी सुनता हूँ, दीन की बातें मानता भी हूँ बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ शैतान होते हैं बेशक, वो कुछ चीजें घुमा देते हैं, मगर मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। अच्छा अनिश भाई, मेरे जहन में ना आपकी बातें मैं सुन रही हूँ, आपकी भी और दानिश भाई की भी सुनी मुझे, आपने कहा माशाल्लाह कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये जो आप दुआ पढ़ते हैं, अच्छा एक सेकंड, ओके, ये जो दुआ पढ़ते हैं ये किसकी पैरवी कर रहे हैं? ये पैरवी आपने आयत उसमें पढ़ी कौन कौन सी है? हाँ पढ़ी है। अब अगर हम पहली दुआ पहला पार्ट पढ़ते हैं, दुआ का पहला पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आयत कौन सी है? अलहम्द शरीफ, सूरह फातिहा। जी सूरह फातिहा, तो फिर वो गलत है कि हम पढ़ते हैं उसमें? आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो पढ़ते हैं ना ये, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये भी तो बोलते हैं ना आप? जी जी। फिर आगे जाकर आखिरी में सजदा जो हम करते हैं, एक सेकंड सजदा करते हैं, पार्ट का एंड करते हैं, एक सेकंड हम कहते हैं अल्लाह मलका सजूद, अच्छा मेरे भाई, ए अल्लाह मेरी ताबेदारी, मेरा सजदा और मेरी ताबेदारी सिर्फ तेरे लिए। एक सेकंड ना, एक सेकंड, नहीं नहीं ये तो मैं बोली नहीं रही, पागल है वागल है, ये तो मैं नहीं बोलूंगी। आप जब कहते हैं ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह से ये क्या कह रहे हैं? वादा कर रहे हैं ना अल्लाह से? जी, क्यों नहीं करते हैं? वादा करते हैं, तो फिर करना चाहिए ये। हाँ, तो फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं और फिर कहते हैं या इमाम जमान ता कुवती वान ता सनदी वालई का तिकाली या हाजिर मौजूद शाह करीम अल हुसैनी, फिर ये क्या वादा खिलाफी नहीं हुई? वादा खिलाफी नहीं हुई? क्यों वादा खिलाफी हो? वो हमारा इमाम है, वो हमारे को गाइड करते हैं, वो हमारे को सीधी राह दिखाते हैं, बेशक अल्लाह पाक की राह भी दिखाते हैं, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी राह दिखाते हैं, उनकी भी रोह सही है और हमारे इमाम की भी रोह सही है, कहीं हमें गलत नहीं लगता, बिकॉज मुझे नहीं लगता। अनिश भाई, आपको नहीं लगेगा अली ना, इसका तर्जुमा पढ़िए प्लीज।
जो आपने पढ़ा है। मैं सिर्फ भाई से एक चीज इनके इनसे सुनना चाह रही हूँ कि एक तरफ आप अल्लाह से वादा कर रहे हैं कि अल्लाह हम आपसे ही इबादत करते हैं और आप ही से दुआ, ही का लफ्ज आता है, सिर्फ आपसे ही दुआ मांगेंगे, आगे जाके आप अपने इमाम से दुआ मांगते हैं, ए इमाम जमा तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरा सहारा है, तुझी पर मेरा तवक्कल है, ए हाजिर ए मौजूद शाह करीम अल हुसैनी, या बोलते हैं ना, तो एक तरफ अल्लाह से कहना कि हम सिर्फ आपकी इबादत करेंगे और आपसे मदद मांगेंगे, दूसरी तरफ आप अपने सारे इमामों से दुआ मांगते हैं, तो क्या ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गई आपकी दुआ के अंदर? नहीं, मेरी नजर में नहीं होती है। आपकी नजर में हम आखिरी, हाँ मैं एक बार इसको वजाहत कर दूं, मैं इसकी आपको, कि क्योंकि हम पूरी सारे जो पार्ट एंड करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं एंड में, जहां पर आप बीच की बात कर रहे हो तो बीच में बेशक जिक्र होता है, बेशक उनका जिक्र होता है, बेशक उनको याद किया जाता है, मगर एंड में आप ये देखो कि हम सजदा किसके लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक 5,000 का नकली नोट पकड़ाती हूँ, आप पकड़ लेंगे, ठीक है, मैं दोबारा भी असली नोट पकड़ाती हूँ, पकड़ लेंगे आप, अब मैंने आपको 5,000 के नकली नोट पकड़ाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आप पकड़ते जा रहे हो, पकड़ते जा रहे हो, फिर मैंने आखिर में आपको असली के 5,000 के 2 असली पकड़ा दिए, अब मैं कह रही हूं मैंने आपको दे दिए 20-40 हजार रुपया, ये सारे अब असलियां लेके जाओ घर, क्या करोगे आप? तो सारी बात है, नकली को अलग करूंगा, असली को अलग करूंगा। ये मेरे भाई, अब असली को अलग करो, नकली जो कुरान में भी नहीं है, हदीसों में भी नहीं है, जिसका हुक्म ना अहले बैत ने दिया, ना मौला अली ने किया, ना किसी सहाबा कराम से मिलता है, ना नबी की तालीमात से मिलता है, ये सबूत है कि ये सब नकली है, तो नकली को अलग करो, असली को पकड़ लो, असली पे चलोगे तो इस्लाम इस्लाम में हो तुम, अगर नकली पे चलोगे तो बिदअत भी करोगे और शिर्क भी करोगे, क्योंकि मेरे भाई जब इमाम को कहते हो ना कि तुम ही मेरी कुवत हो, तुम ही मेरी ताकत हो, तो फिर आप किस चीज का इनकार करते हो? आप इनकार करते हो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैही तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, कि हम जो पढ़ते हैं कि अल्लाह तू तुझ पर ही मेरा तवक्कल है क्योंकि तू ही तमाम अर्श और का मालिक है, तो आप इस चीज में अपने इमाम को साझीदार बनाते हो, उसके साथ इमाम को मिला देते हो, यही तो शिर्क है मेरे भाई। देखो ये आपकी नजर में शिर्क होगा, फिलहाल एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये लाइव सेशन तो मेरा हो रहा नहीं है ना? लाइव चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है मेरा, लाइव है, लाइव है। अच्छा, हेलो जी मेरे भाई, लाइव है, सॉरी मेरा एंड इशू कर रहा है, आवाज आ रही? जी भाई आ रही है। हेलो जी, जी आ रही है। तो देखो आप जहां तक शिर्क की बात कर रहे हो, तो अगर हम शिर्क कर रहे हैं, मुझे मेरी कब्र के अंदर मेरा हिसाब देना है, ठीक है? आप मेरी कब्र में आपके मेरा मेरा हिसाब नहीं देंगे, ठीक है? जहां तक जन्नत दोजख की बात है, तो एक जमाना माशाल्लाह मेरी उम्र है, मेरी माशाल्लाह उम्र है 37 एज का हूँ मैं, ठीक है? मैंने ये सारी चीजें देखी है, मैं इन सारी चीजों से घूम कर दुनियादारी चीज के मजहबी चीजें देख कर मैं हर चीज माशाल्लाह से अच्छी खासी समझ चुका हूँ। उस नौयत की नहीं, जिस नौयत की शायद आप लोग जानते हो, इल्म जानते हो, उस नौयत का नहीं हूँ मैं, तो बिल्कुल 0/0 अपने आप को कहलाता हूँ, इसलिए कि इल्म जितना भी हासिल करो इंसान के लिए वो बिल्कुल ही कम है, और जितना भी दलदल में आप जाओगे तो इल्म इतना हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म की गहराई बहुत गहराई, इतनी गहराई है कि आप उसको ना भी नहीं सकते हो, ठीक है? सेकेंड ये है कि आपने जो बात की है, तो अगर हम शिर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको तो छोड़ ही दो, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अगर शिर्क कर रहा हूँ उसमें आपको क्या तकलीफ है? बता देती हूँ, सवाल हो गया आपका। जी जी, अगर शिर्क करने से आपको तकलीफ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपने एग्नॉलेज तो कर लिया कि आप शिर्क करते हो, ठीक है, अभी आप कह रहे हो कि मैं अगर करता भी हूं तो तुम लोगों का क्या, पहले तो ये एग्नॉलेज करना पड़ेगा आपको, पहले ये मानना पड़ेगा कि आप शिर्क करते हैं, फिर उसके लिहाज से जब आपके बिहाफ पे मैंने किया है, नहीं या आपके बिहाफ पे मैंने किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बोला है कि हम शिर्क करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने कहा है, नहीं बात सुन लीजिए, अभी जब आपसे मेरी बात चल रही है ना, तो हमने आपको इस्माइली दुआ से ही बताया है,
इस्माइली दुआ में आप पढ़ते हो तवस्सुल इंदल मसाइबी बी मौला कुमुल शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, मुसीबतों के वक्त अपने हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब मुसीबत में होते हैं तो आपको तकलीफ से निकालने वाला कौन है? मेरा मौला अली है, मैं नादेली पढ़ता हूँ। हाँ। वो जिस उस नादेली में जितनी बड़ी ताकत है ना, किसी के बाप में ताकत नहीं। सही है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा सुकून महसूस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नादेली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें अली नहीं बोल रहे ना, अनीश भाई, अनीश भाई बात को समझो। अनीश भाई आपने बोला तवस्सुल, अनीस भाई, अनीस भाई आप कहते हो तवस्सुल इंदल मसाइबी बी मौला कुमुल शाह करीम अल हुसैनी। आप अली नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो शाह करीम। अगर आप अली के नाम का सहारा लेते हैं तो वो उसमें आपको क्या लगाना पड़ता? आपको मौलाना अली लिखना पड़ता या अली कहना पड़ता। आप क्या बोल रहे हो? मुसीबतों के वक्त अपने शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो। आप करीम आगा खान का सहारा लेते हो ना, तो ये तो फिर आप बताओ कि आप कह कुछ रहे हो, आप बोल कुछ और रहे हो। नहीं देखिए, मैं बोल भी वही रहा हूँ, कह भी वही रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हम शिर्क कर रहे हैं, तो बकौल आपके मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं शिर्क कर रहा हूँ। आप, आपकी नजर में शिर्क है, मेरी नजर में शिर्क नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर जहां पर अल्लाह पर तवक्कुल करना यानी अल्लाह को सहारा मानना, उसी जगह पर अपने हाजिर इमाम को भी सहारा मानना, आपको शिर्क नहीं लगता? बहन वो हमारी, एक सेकंड नूरुल्लाह भाई, दुआ है, एक सेकंड। नहीं नहीं मेरे भाई देखो, सिंपल सा सवाल है, दुआ की बात नहीं कर रही मैं आपसे, आप सिर्फ क्लियरली पूछ रही हूँ। अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, आप अपने हाजिर इमाम को भी कहते हैं या हाजिर या मौजूद शाह करीम अल हुसैनी, यानी हाजिर इमाम भी हर जगह मौजूद है? हाजिर इमाम हर जगह मौजूद है? जी जी मौजूद है। एक मिनट में इस बात को, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि सपोज कि आपके बड़े में घर के अंदर बड़े बुजुर्ग है, ठीक है, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा रखे, तो आपके उस बड़े बुजुर्ग ने आपको दीन की बातें समझाई, दीन के बारे में बताया, तो आप, आपकी नजर में सबसे बड़ा दर्जा किसका होगा? अल्लाह का होगा, उस बड़े बुजुर्ग का होगा? बड़ा बुजुर्ग खुदा थोड़ी होता है मेरे भाई, मिसाल भी तो वो दो ना। दीन की बात तो हम भी बता रहे हैं मेरे भाई। नहीं नहीं बात ये है, उनका अली ने, लेट मी टॉक, इसमें जो है ना उन्होंने पूछा कि भाई बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई अल्लाह रसूल की बात बताते हैं तो आपके नजर में किसका बड़ा दर्जा है? तो हम कहेंगे हमारी नजर में अल्लाह का बड़ा दर्जा है, जो खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, जरूरत का पूरा करने वाला है, तवक्कुल उसी पे किया जाएगा, मदद उसी से मांगी जाएगी, तो हम उसी को बड़ा समझते हैं। आपका सवाल का जवाब ये हो गया, आप आगे बोलिए। जी जी जी, आपका बेशक अल्लाह की तरफ रुजू होगा, लेकिन उसकी तरफ लाने वाला कौन है? आपका वही बुजुर्ग, तो आपकी नजर में उसका दर्जा बुलंद होगा या नहीं होगा मेरे भाई? अल्लाह से बड़ा तो किसी का दर्जा नहीं ना, आप अल्लाह से कंपेयर कर रहे हो ना भाई। आप ये कहते हैं कि भाई माँ और बाप, मामू खाला, आप मखलूक से मखलूक को मिलाते, सुनिए मेरे भाई, आप मखलूक के सामने मखलूक का कंपैरिजन बोलते तो हम इसका जवाब देते, लेकिन आप जब अल्लाह की बात करोगे तो अब इसका जवाब ही नहीं बनता है। आप तो ये तो सवाल ही बेतुका हो गया ना। बात तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने आपको ये सवाल किया तो आपको ये, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब उस, आपके बुजुर्ग ने जब आपको अल्लाह की तरह रजू किया, आपकी तरफ अल्लाह की पैरी करने के लिए बोला, अल्लाह की एक रस्सी को थामने का बोला, रोजे नमाज हर चीज का फर्ज है आपके ऊपर, हर चीज समझाई आपको, ठीक है, कुरान पाठ के बारे में भी हर चीज समझाई, तो आपकी नजर में मोहब्बत दोनों तरफा एक होगी या फिर दोनों तरफ से एक तरफ होगी?
एक तरफ हो गया अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दानिश भाई, बिल्कुल एक तरफ। देखो अगर कोई हमें दीन सिखाता भी है तो हम उसे ये थोड़ी बोलते हैं कि तुम हाजिर और नाजिर हो, तुम नहीं, नहीं आप लेट मी इसमें इसमें जो है ना, वो भाई जो बेचारे अच्छा सवाल पूछ रहे हैं और वो जानने के लिए पूछ रहे हैं, तो हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत का मरकज जो है वो अल्लाह ही रहेगा, और जिसने हमको रस्सी पकड़ाई तो हम अल्लाह की रस्सी को छोड़कर उसका दामन थोड़ी पकड़ लेंगे, जिसने हमको रास्ता बताया अगर मिसाल के तौर पर, तो हम अल्लाह की मोहब्बत रखेंगे अल्लाह ही से, क्योंकि खालिक और मालिक तो अल्लाह ही है ना, पैदा करने वाला पालने वाला तो अल्लाह ही है ना। बेशक 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो इससे ये तो साबित नहीं होगा ना कि हम सब कुछ छोड़कर जो है वो ऐसे आदमी के पीछे लग जावे जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हमको समझावे। दानिश भाई देखिए बात, मैं जो इनसे बात पूछा ना, जब उन्होंने कहा कि मैं शिर्क करता हूँ या आप कैसे कह सकती हैं, मैंने इनसे पूछा आप हाजिर इमाम को, वो तो हमने साबित कर दिया। नहीं देखिये हाजिर और मौजूद जब ये बोल रहे हैं तो नहीं, वो तो दलाइल से, हमारी दलाइल से तो साबित हो गया, ये माने ना माने, ये सोच, ये अपनी सोच से अपना कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दलील से तो साबित हो गया कि भाई इनकी दुआ में शिर्क है, ये तो साबित हो गया ना। अब वो अकेले में जाके सोचें इसके बारे में कि अभी मैं इस लाइव पे नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उनको मानना तो पड़ेगा। देखिए अनीस भाई जब आप हाजिर इमाम को हाजिरल मौजूद कहते हैं तो आपने दो दफा कहा कि हाँ मेरा इमाम हर जगह मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है हर जगह, मतलब तो दिल में अगर कोई भी हो तो आप उसको हाजिरुल मौजूद बोलते हैं। हाजिरुल मौजूद का मतलब क्या होता है कि हाजिर है, अभी है, और मौजूद यानी मेरे बराबर में है, यानी वो सुन सकता है, क्योंकि जब हम अल्लाह को अल हाजिर कहते हैं तो हमारे ज़हन में कि अल्लाह हर जगह हाजिर है, मौजूद हम कहते हैं तो अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो जो सिफत अल्लाह की है वो आपने अपने इमाम के साथ लगाई, जब आप इमाम को पुकारते हैं या इमाम जमान तकुवती वन तसनदी, तो वो आपकी दुआ सुनते हैं क्या? अगर मेरा ईमान पक्का है, मेरा ईमान मजबूत है, तो वो सुनेगा, आपके इमाम सुनेंगे, अल्लाह भी सुनेगा, मेरा इमाम भी सुनेगा, इमाम सुनेंगे, सुनेगा मेरा अल्लाह भी सुनेगा। ठीक है, अच्छा सुने, इमाम खुद, इसमें कोई शक नहीं है। एक सेकंड, एक चीज में आपसे, एक सेकंड एक सेकंड, इमाम खुद पोर्चुगल बैठे हैं और आप कराची में हैं, तो वो आपकी दुआ सुन लेंगे? एक चीज में इसके ऊपर आपको थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, लक्ष्मी के आपके पेरेंट्स बाहर है, ठीक है, और आप उसको शिद्दत से याद कर रहे हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि वो मेरे पास है, ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि आपने ऐसा फील किया वो मेरे पास है। काफी लोगों के पेरेंट्स अल्लाह पाक के पास भी चले जाते हैं, अल्लाह पाक को प्यारे हो जाते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं, तो उनकी मोहब्बत और शिद्दत में इतनी ताकत होती है कि वो उनके पास, उनको मौजूद काफी लोगों को तो नजर भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, उनके पेरेंट्स होते हैं, जिंदा होते हैं या वो मरहूम होते हैं या उनके वफात हो जाती है, तो उनको बाकायदा नजर आते हैं, उनसे फील होता है उनको, तो ये गलत है। तो हम क्या, जैसे मेरे मेरे वाले साहब नहीं है, तो क्या मैं उनको यहाँ से बैठ के पुकारूंगी कि या मुश्किल कुशा फला फला, मेरी मुश्किल आसान कर, मेरे वाले साहब मेरी मुश्किल आसान कर, तो क्या ये जो है वो आपको लगता है कि ये मैं सही कर रही हूँ? अगर मैं उनको इतनी शिद्दत से याद करती हूँ, मुझे ख्वाब में आते हैं, मुझे ऐसे उनका चेहरा मेरी आंखों के आगे आता है, लेकिन वो तो सब मेरे जज्बात है ना, क्या वो मेरी पुकार सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? ये तो आपको पता हो ना, ये आपकी फीलिंग्स है। अच्छा आपने स्टार्टिंग में कहा आपकी फीलिंग्स है कि वो आप, एक होता है खुद की फीलिंग्स और एक होती है हकीकत। आपने कहा आप हकीकत में दुआ मांगते हैं या हाजिर या मौजूद, शाह करीम अल हुसैनी, ठीक है, तोबो तोबो तकसीदार बंदो सिरता पा गुनेगार पीर शाह बख्शे बख्शनहार, आप जाहिरी में दुआ मांगते हैं, जाहिरी में गुनाह माफ करवाते हैं, तो ये फीलिंग्स तो नहीं हुई ना? आप तो उनसे बाकायदा अपनी मुश्किल आसानी, अपने गुनाहों की माफी, उनसे आहो पुकार करना, अपना हर काम उनके आगे रखना, वो सुनते हैं या नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते हो तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता, शायद आज मैं कामयाब भी नहीं होता, और शायद मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसका मतलब आपकी जिंदगी, एक सेकेंड, आपकी जिंदगी इमाम की बदौलत,
आपकी कामयाबी इमाम की बदौलत, आपका जो भी काम है वो सब इमाम की बदौलत, अल्लाह की बदौलत मेरे भाई। स्टार्टिंग में बोला था। हाँ अब आप बताइए, अब आगे दानिश भाई, अल्लाह के साथ इमाम की बदौलत, तो यही तो शिर्क है मेरे भाई, यही तो शिर्क है, अल्लाह के साथ लग रहा है ना। अच्छा, और ये जो है ये इस्माइली दुआ जो है उसका, इस्माइली दुआ में जो पहला पार्ट सूरह फातिहा है उसमें जमात खाने में ये लोग एक आयत पढ़ते हैं सूरह फातिहा की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो बात हो गई अल्लाह हम, वो हो गई बात, आप लेट आ गए हो गई, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये बात टॉपिक हो चुका है। ठीक है चले, सही है, आप आपने कहा। अच्छा ओके दानिश भाई, एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है मेरा इमाम मुझे ताकत देता है, मेरा इमाम जो है उसकी बदौलत ही मैं जिंदा हूँ, यानी जो काम अल्लाह के जिम्मे और मेरा इमाम दोनों मिला के, हाँ तो ये दो टू इन वन हुए ना, शिर्क हुआ ना मेरे भाई, यही तो शिर्क है, शिर्क का टू इन वन नहीं हुआ, दोनों साथ मिलके देते हैं मेरे भाई। देखिए ये यही जो है, यही यही जो है मक्का के मुशरिक, यही मक्का के मुशरिक, और यही दानिश भाई शिर्क का, पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के हिंदू पूरी दुनिया के जो है जो मुशरिक है वो यही कहते हैं कि अल्लाह तो है, इसके साथ हमारे फलाने बुत भी करते हैं मिलकर, अल्लाह तो करता ही है, लेकिन फलाने भगवान भी करते हैं, अल्लाह तो करता ही है, वैसे फलाने हमारे हाजर इमाम आगा खान भी करते हैं। तो इसी को तो कुरान में अल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फरमा दिया कि भाई अल्लाह के अलावा ला शरीक अला, अल्लाह के अलावा कोई उसका शरीक नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई कारसाज नहीं है। वल्लाह कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु आलमु बि अदाइकुम व कफा बिल्लाहि वली व कफा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह अकेला काफी है मदद करने के लिए, अल्लाह अकेला काफी है तुम्हारे काम बनाने के लिए, अल्लाह को कोई साथ में पार्टनर नहीं चाहिए। तो आपने तो इमाम को पार्टनर बना दिया कि इमाम भी साथ में, इमाम की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी वो भी जो इसी तरह पैदा हुआ जैसे हम और आप पैदा हुए और उसको भी मौत आनी है, मिट्टी में मिलकर सड़कर गलकर खत्म हो जाना है, उसके साथ में भी सारी चीजें लगी हुई है, उसको भी कल कयामत दिन अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। आप उस इमाम जो जो इंसान इंसानी सारी चीजों का वो करता है उसको आप खुदा के बराबर कर दिया आपने, तो शिर्क हो गया ना मेरे भाई। फिर आप बोलते हो कि मेरी सोच में शिर्क नहीं, आप सारे सारी बातें तो शिर्क वाली कर रहे हो, काम भी सारे शिर्क वाले, और फिर आप कहते हो कि भाई मेरी आपकी सोच कहाँ चलेगी, तो कुरान की सोच चलेगी ना भाई। राइट है, आपका कुरान और आपकी बातें बिल्कुल, मैं तो अभी कुरान तो कुरान हमारा था, अभी आपका हो गया, अभी आप बोलते हो आपका, अभी तक तो हमारा था ना भाई, अभी तक तो आप भी कह रहे थे कि हमारा सबका है, फिर अभी आप कहते हो आपका हो गया, आपका नहीं है सर वो असल माजरा, कुरान आपका नहीं है, पहले तो आपने कहा कि कुरान हमारा है, चले वो कह रहे हैं माजरत कर रहे हैं, कह रहे गलती से निकल गया मुंह से, वो भाई कह रहे हमारा है, अच्छी बात, चले ठीक है ना, हमारा कुरान ठीक है हमारा कुरान यही कहता है कि किसी के साथ किसी को मर्ज नहीं करो, अल्लाह की राह में बेशक एक राह है, एक रास्ता है, उसी में चलो, किसी के साथ उसको मर्ज नहीं करो, हम मर्ज नहीं करें, मगर मैं जब इस्माइली मजहब में पैदा हुआ तो मेरे इस्माइली मजहब ने यही सिखाया है कि ये इमाम है और ये अल्लाह है, ठीक है। तो मेरे भाई ये गलत सिखाया है ना, आप इमाम यही अल्लाह है आप कह रहे हो, क्यों सिखाया? अच्छा दानिश भाई एक सेकंड, शिर्क पे बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, वो तो सही है, लेकिन जब हम शिर्क बोल रहे हैं तो शिर्क तो अरबिक का लफ्ज है, तो ये अनीस भाई से पूछ लेते हैं कि अनीस भाई शिर्क को उर्दू में क्या कहते हैं? आई नो आइडिया, नहीं पता। शिर्क जो है वो, हाँ शिर्क जो है ना वो शरीक होता है ना, शरीक करना, शरीक मतलब पार्टनर बनाना, शरीक करना, हाँ, कंपेयर करना, कंपेयर नहीं मिला देना, मिलाना कि ये भी है और ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, मतलब ये जो कर सकता है ये वाला भी कर सकता है, जो उसके हाथ में है ये इसके हाथ में भी है, तो जो मेरे भाई जिसका मतलब ही यही है कि तुम उसके साथ किसी को नहीं मिला सकते, तो फिर आप तो मिला ही रहे हो ना, तो आप बार बार क्यों कह रहे हो कि मैं शिर्क नहीं करता, यही तो शिर्क है कि मेरा अल्लाह और मेरा इमाम दोनों मुझे
मुझे जो है ना वो सब चीजें अता करते हैं। यही तो शिर्क के जो चीजें अल्लाह की दी हुई चीजें हैं अल्लाह ही दे सकता है और नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में। आप कहते हैं मेरे इमाम ने मुझे जिंदगी दी है अल्लाह के साथ मिलके, यही तो शिर्क है मेरे भाई। क्यों नहीं, उन्होंने 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 मुझे इस राह पे लाया, उन्होंने मुझे इस मजहब में हर चीज सिखाई। शायद आपने शायद पढ़ी होगी, अगर आपने बहुत पुरानी आरिसी पढ़ी होगी तो आरिसी में आरिसी के अंदर एक एप्पल की मिसाल दी थी कि ये एप्पल है, पांच बच्चों को एप्पल दिया, बोला आप इस ऐसी जगह पर इस एप्पल को काटना कि जहां पर अल्लाह नहीं हो, अल्लाह का जरूर कहीं भी ना हो, वहां पर जाके काटना। तो सब बच्चे अलग 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 काटते हैं, एक बच्चा जो होता है वो एप्पल काट के नहीं आता, वो कहता है कि जब टीचर उससे सवाल करती है कि आपने एप्पल क्यों नहीं काटा, तो बोला कि मैं कैसे काट पा जबकि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, मैं तो उससे छुप नहीं सकता, तो मैंने इसलिए ये एप्पल नहीं काटा। ये शायद आपने आरिसी में पढ़ी होगी। हाँ तो मेरे भाई जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर इमाम को पुकारने की क्या जरूरत है। ठीक है ठीक है, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा काटूंगा और आपके मेन टॉपिक पे आऊंगा कि चलो मैं मानता हूँ कि हम शिर्क करते हैं, हम फला करते हैं, हम इस्तान करते हैं, वो चलो ठीक है वन साइड करो उसको, मेरी नजर में वो भी सही नहीं है। मैंने काफी मरतबा, मैंने सिर्फ आप लोग को रीड नहीं किया, आप लोग को नहीं देखा, मैंने काफी लोगों को कन्वर्टों को देखा है, वो ना नमाज पढ़ते हैं ना रोजा रखते हैं ना कुछ करते हैं। मैंने मैंने बोला उनसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने बोला, और उनका भी यही कहना था जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम मुसलमान बन गए हैं, ठीक है, तो उनसे भी मैंने बोला कि क्या आप पहले मुसलमान नहीं थे, चलो वो साइड पे करो, मगर वो जब आप मुसलमान बने हो तो ये चीजें तो आपके ऊपर कंपल्सरी हो गई, आप नमाज पढ़ो पांच टाइम की, आप रोजे रखो, आप इबादत करो, तो वो ये करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं? एक सेकंड, आपको स्टार्टिंग पहले में इसको इसका इसका हाँ जवाब शुरू में दे चुके हैं, शुरू में क्या था? भाई ने स्टार्टिंग में ही बात कर दी थी कि अगर कोई नहीं करता ईमान लाने के बाद तो वो नाफरमान और गुनहगार होगा और सजा पाएगा, लेकिन वो काफिर नहीं हो सकता क्योंकि वो इनकार नहीं कर रहा। मेरे भाई आप लोग अच्छा मेरी बात सुनो, हज फर्ज है कि नहीं है आपके मजहब में, इस्माइली मजहब में, आपके मजहब में? ठीक है, मेरे मजहब में फर्ज है, क्यों नहीं है? फर्ज है ना, और जो नहीं करेगा, अच्छा एक सेकंड ना मैं बता देती हूँ किसने कहा, अगर किसी ने नहीं किया तो वो क्या होगा, गुनहगार होगा, नाफरमान होगा, काफिर होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि जिसकी हैसियत होगी वो ही हज करने जा सकता है। अरे वो तो मेरे भाई सबको पता है, एक मांग के तो नहीं जा सकता। अनीस भाई जिसकी हैसियत है वो ना जाए तो उसका क्या? अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आप भाई के साथ एंड, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया। मेरे भाई हज की जो शरायतें हैं ना वो हम सबको पता है कि कर्जा ना हो, बेटी की शादी करने वाली ना हो, पड़ोसी भूखा ना हो, कोई बीमारी ना हो, उजर ना हो, अगर ये कुछ भी ना हो, हट्टा कट्टा बिल्कुल मालदार बंदा अगर हज ना करे तो वो क्या होगा, गुनेगार होगा, नाफरमान होगा, काफिर होगा? नाफरमान होगा, नाफरमान होगा। अहले बैत नाफरमान हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर काफी मुसलमान अगर ये अहले बैत अल्लाह के नाफरमान हो सकते हैं, हाँ या ना? काफी लोग हो भी सकते, काफी लोग नहीं भी हो सकते। अहले बैत मेरे भाई, अहले बैत नबी के खानदान बोले नाफरमान नाफरमान हो सकते हैं? मैं यही देखो, मैं उनको ये ब्लेम नहीं कर सका कि वो नाफरमान हो सकते हैं या नहीं, वो उनके आमाल के ऊपर है, अगर वो नाफरमानी कर रहे हैं तो उसका हिसाब उनको कयामत में। यही पूछ रही हूँ, अगर कोई अहले बैत हो और वो अल्लाह के दिए हुए फर्ज को नहीं करता तो क्या वो नाफरमान होगा? बेशक, क्यों नहीं होगा नाफरमान? ठीक है, आगा खान अहले बैत है, क्यों नहीं है? वो कभी हज पे गया है? नॉलेज नहीं, गया नहीं है, गए हैं शायद, मैं वही पूछ रही हूँ, गए हैं कभी? रिस्पेक्ट दे देंगे तो। अच्छा अच्छा, माजरत नहीं गए। सुल्तान मोहम्मद शाह साहब वो कभी हज पे गए? नहीं।
आगा खान, करीम आगा खान की पूरी फैमिली में से रहीम आगा खान, हुसैन आगा खान, जहरा आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान, अली सलमान खान, इनमें से कोई हज पे गया? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है जो क्लियर बात। ये तमाम लोग ना हज पे, नहीं आपकी नॉलेज बिल्कुल सही है, कभी नहीं गए, बल्कि इवन इन लोगों के आपके अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि हमारे हाजिर इमाम हज पे नहीं जाते, ठीक है, रीजन भी लिखा हुआ है। मुझे ये बताइए कि अहले बैत जो है वो हज पे नहीं जाता, वजह क्या है? देखो मैं हर पर्सन से वजह तो पूछने से रहा, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो यही सवाल मुझसे करेगा कि आप कौन होते ये पूछने वाले, मैं उनका तो कोई फादर नहीं लगता, मैं उनका रिलेटिव तो नहीं लगता, सीधी सी बात है। मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, मैं अपने आप को देखूंगा। अच्छा सही है अनीस भाई, अनीस भाई ओके ओके अनीस भाई, वो करते हैं या नहीं करते वो आप जो है ना पूछ सकते हैं ना आपको पूछने का हक है, क्योंकि जमात खाने में तो यही बोला जाता है कि मौला की जिंदगी पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आप हक रखते हैं ना कि क्या आप किसी नाफरमान को फॉलो करेंगे? देखो ये ना फरमान और फरमान वाली बात है ना, देखो मैंने आपको पहले भी समझाया बताया था, सॉरी समझाने के लिए तो दूर की बात है, मेरे अंदर खुद के अंदर नहीं है इतनी अकल, तो मैं यही बताया था कि मैं जिस मजहब में पैदा हुआ हूँ तो मैं उसको भी फॉलो करता हूँ और अल्लाह की राह को भी फॉलो करता हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं क्यों करते हैं वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है। इस्माइली दुआ आपको, इस्माइली दुआ आपको आपके हाजिर इमाम ने दी पढ़ने के लिए, क्लियर। जब एक इंसान खुद नाफरमान है तो उसकी पैरवी करना बेवकूफी नहीं? देखो आपकी नजर में बेवकूफी होगी या ये आप शायद सोच सकती हैं कि आप एक इस्माइली बंदे को पूछ रही हैं कि बेवकूफी नहीं है या उनको फॉलो करना बेवकूफी नहीं है, तो शायद आप ये गलत कर रही हैं। हाजिर इमाम नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, दुआ पढ़ते हुए भी देखा है। अच्छा, दुआ में जब वो पढ़ते हैं या इमाम जमा अंत कुवती व अंत सनदी, तो वो किस जमाने के इमाम को पुकारते हैं? देखें ये चीज आपने बहुत अच्छी सवाल अच्छा किया, लेकिन आपका वही मैं सवाल दोहराऊंगा कि हम उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयरिंग नहीं करते, ठीक है। बाकी हम जो दुआ पढ़ते हैं, हम जो नमाज पढ़ते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि अगर अगला एक बंदा मेरे बराबर में नमाज पढ़ रहा है तो कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो बुलंद आवाज में पढ़ते हैं और काफी लोग ऐसे होते हैं जो दिल में पढ़ते हैं, सिर्फ होंठ लिप इसके हिल रहे होते हैं और वो अपनी नमाज अदा कर रहा होता है। तो मुझे नहीं पता है वो क्या करते हैं, क्या वो कहते हैं, किसका जिक्र। मौला अली नमाज पढ़ते थे या मौला अली दुआ पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे। आपको काबा में भी पैदा हुए जी, मौला अली जो 1400 साल पहले पैदा हुए, आपको उनका पता है कि वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपको अपने इमाम का नहीं पता जो कि अभी जिंदा है? मैं उस दर्जे तक नहीं पहुंचा हूँ, मैं उस काबिल नहीं समझता हूँ, मैं आपको उस काबिल नहीं समझता हूँ। सही है, ये तो इसी तरह हुआ कि जब हिंदू से सवाल किया जाता है कि तुम इस गाय को पूज रहे हो तो तुम इसको क्यों पूछते, तो वो कहता है मैं इस मजहब में पैदा हुआ, मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं करता, मेरे हिसाब से मैं जब इसका पेशाब पीता हूँ तो मुझे शफा मिल जाती है, मेरे हिसाब से इसके ऊपर मैं हाथ फेरता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये तो इसी तरह बात हुई कि मैं सवाल नहीं करूंगा गाय से कि तू मेरा खुदा है या नहीं, लेकिन बस मैं तुझे मानूंगा। अब मैं इमाम से नहीं पूछ सकता कि तुम नाफरमानी क्यों करते हो, तुम खुद नमाज पढ़ते हो तो हमें दुआ पढ़ने को क्यों कहते हो, तुम्हारी अपनी फैमिली जो है वो कभी जमात खाने में आके दुआ नहीं पढ़ती, ना उनको किसी ने नमाज पढ़ते देखा, उनके उनके बेटे को बिस्मिल्लाह तक से इतना नहीं पढ़ना आता, बगैर जेर जबर के हुसैन रहीम आगा खान दुबई स्पोर्ट्स में जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है बंदा तो ना वो जेर लगाता है ना जबर लगाता है, वो इतना गलत कुरान पढ़ता है, जिसका बेटा गलत कुरान पढ़ता है, हम जो इस्माइली रह चुके हैं और आप इस्माइली हैं, हम तो इमाम को नाते के कुरान कहते हैं, ये बोलता कुरान है आपकी नजर में? नहीं, अब मैं आपको बता दूं, मैं यही
नहीं हम मेरी नजर क्या? मेरी नजर और आपकी नजर मायने नहीं रखती है। आप जो मर्जी सोचें, ना आप स्कॉलर हो ना मैं स्कॉलर हूँ, हम कहाँ से बात करेंगे, हम बात करेंगे कुरान से। कुरान में कहा है कि मेरे साथ अगर किसी को शरीक करोगे, किसी को पार्टनर बनाओगे तो तुम शिर्क करोगे। शिर्क की माफी नहीं है, बेशक मैं चाहूं तो सारे तुम्हारे गुनाह माफ कर दूं लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। वही अल्लाह कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो कि मैं तुम्हारे तरह ही बशर हूं, बस उसमें फर्क इतना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे रिसालत अता की है। आपकी इमाम का ना कुरान में सबूत मिलता है, ना उसने जो शरीयत में तब्दीलियां की हैं वो किस बिना पे की हैं। खत्म नबुवत का इनकार होता है जब ये कोई इंसान ये कहे कि मेरा इमाम जो है वो शरीयत में तब्दीली कर सकता है। आप बार बार कह रहे हैं मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं दुआ भी पढ़ता हूँ। हम सारे लोग जानते हैं जो इस्माइली हैं और इस्माइली रह चुके हैं, हमें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई इस्माइली ये कहे कि मैं दुआ भी पढ़ता हूँ और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि इस्माइली मजहब में ना वजू होता है ना गुसल होता है। इस्माइलियों को ये नहीं पता, मैं करता हूं मेरे भाई, इस्माइलियों को वजू के फराइज नहीं पता, इस्माइलियों को वजू करता हूं वजू के फराइज नहीं पता। आप ये चीज नहीं, ये चीज आप बताइए फराइज, या बोलिए आप बताइए मुझे फराइज, आप मुझे वजू के फराइज बताइए। आपने आपने जो सबसे पहली बात की ना, जिनको जिस चीज से आपने मर्ज किया, आपने बोला मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं। मेरे भाई वजू के फराइज बता दो ना, मैं मान जाऊंगी। मेरे भाई बहस नहीं करो, बहुत टाइम हो गया, वजू के फराइज बता दो, मैं मान जाऊंगी आप वजू करते हो। क्या मतलब, क्या मतलब आपको लगता है कि मैं वजू नहीं करता हूं? आप मुझे वजू के फराइज बताए ना, बिना फराइज जाने कोई कैसे वजू कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता क्या भाई? वजू किससे, पानी से ही जरूरी है? वजू के फराइज से भी वजू कर सकते मेरे भाई, तुम हजार दफा पानी में डुबकी लगा के आ जाओ वो वजू नहीं होता, वजू के फराइज होते हैं। मैं वो पूछ रही हूँ आपसे, वजू के फराइज तो अगर आप वजू के किस तरह से फराइज पूछना चाह रही हैं मेरे भाई, वजू के फराइज पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, अगर आपने वजू करते हैं ना तो तमाम मुसलमान छोटे से बड़े सबको पता होता है कि वजू के जो बेसिक तीन चीजें हैं ना वो कर लो तो वजू हो जाता है। वो कौन सी है बता दीजिए? सबसे पहले तो मैं नियत करूंगा, वो फराइज में नहीं आता। इस्लाम पर फॉलो करना चाह रहे हो लेकिन तुम कहते हो ये मेरी नजर में नहीं है, तो मुझे फराइज तो वही बताओगे ना जो हमारे नबी ने। फॉलो कर रहा हूँ, करना चाह रहा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, वजू के फराइज जो होते हैं जिन जो मिनिमम ये कर दिए जाए तो वजू हो जाता है, वो बता दो। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं पहले नियत करता हूँ मेरे भाई, वो फर्ज में नहीं आता। अल्लाह के बंदे लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, वजू के फराइज बताइए। अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह का बंदा यही तो कह रहा है कि पहले क्या पूछता है, आपकी वजू पूछता है या आपकी नियत पूछती है? सुन्नत और फर्ज का पता है आपको, सुन्नत और फर्ज क्या होते हैं? बेशक। तो मैं फर्ज पूछ रही हूँ, मैं सुन्नत नहीं पूछ रही। देखो आप जो भी पूछ रही है ना, ठीक है। अच्छा मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मैं जिस चीज किसको फॉलो करते हो, किसको फॉलो कर रहे हो? अगर वजू इस्लामिक तरीके से नबी की सुन्नत के तरीके से नहीं कर रहे तो फिर किसको फॉलो करके ऐसा वजू कर रहे हो जिसमें नियत जो है वो आप फर्ज बोल रहे हो? मैंने आपसे कहा है कि आप जो नियत की मैंने आपसे बात की है वो नियत मेरे अल्लाह तक पहुंचती है। मेरे भाई वजू के फराइज, वजू के तीन फराइज बता दो, मैं मान जाऊंगी तुम वजू करते हो। मतलब ऐसे नहीं मानेंगे आप, मैं आपको हर चीज में प्रूफ चाहिए। अच्छा नमाज पढ़ते हैं? नहीं, आपको हर चीज आपने में कहा चाहिए। आपने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, आपने वैसे पुरुष मैंने आपसे सवाल, आपने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, मुझे ही बता दे तशहद में क्या पढ़ते हैं। देखिए ये चीजें जो मेरे भाई झूठ से काम नहीं चलेगा, मैंने आपसे बच्चों वाला सवाल किया वजू के फराइज बता दे, आपने वो नहीं बताए। मैंने आपसे तशहद, आपने कहा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ मैं दुआ भी पढ़ता हूँ, अब मैं पूछ रही हूँ आप तशहद में बैठ के क्या क्या पढ़ते हैं उसके अंदर?
आप कयाम करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, क्यों भाग रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ मेरे भाई, बात झूठ आप पढ़ते हैं ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज नोट कर रही थी कि आप मुझे एटलीस्ट इतना भी बोलते ना कि बहन तीन फराइज कहाँ होते हैं, चार फराइज होते हैं, तो मैं फिर भी आपसे कहती कि चलो इस बच्चे इस भाई को पता है। आपने वो करेक्ट नहीं किया, आपने अगर मैं तीन तीन बोलती रही तो आपने तीन में पहला जो फर्ज है वही आपने फर्ज नहीं आपने सुन्नत बोला। अब आप आपको वजू नहीं करना आता, आपको ये नहीं पता कि फराइज कितने हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि नमाज में आप जब तशहद में बैठते हैं तब आप क्या पढ़ते हैं, आप वो भी नहीं बता रहे, तो आप इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे कि मैं दुआ भी पढ़ता हूँ मैं नमाज भी पढ़ता हूँ? चलो ठीक है लास्ट में, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आप कुछ कर लेंगे? देखो आप एक और गुलाटी नहीं मैं, अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं असल में बताए क्या, मेरी बात सुनिए अनीस भाई, आपके साथ ना बहुत अच्छी बात हुई और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि ना आप गुस्सा करते हैं, ना आप बदतमीजी करते हैं, ना आप बुरा भला कहते हैं, और मेरा दिल ये कहता है कि माशाल्लाह आप थोड़ा खुद से स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपको जरूर जरूर हिदायत पे ले आएगी। और मैं आपको मजीद ऐसा कोई बात नहीं करना चाहती कि जिससे आपके दिल में बात है कि बहन ने जो है वो इस तरह प्रोग्राम में मुझसे सवाल कर लिए। जी एक बात से मेरी दिल आजारी हुई है जी, माफी माफी चाहती हूँ पहले ही। जी जी आपने जो गऊ का मूत्र जो पेशाब को जिक्र किया ना तो ये जेब नहीं देती है बस। ठीक है मैं इंशाल्लाह आगे से जो है ना वो इस बारे में एहतियात करूंगी। ठीक है मेरे भाई इंशाल्लाह आप मस्त, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें हो जाती हैं कि जब आप दो